डॉक्टर साहब, नई दुल्हन से व्यवहार किस प्रकार रहना है? शादी होने के बाद दुल्हन अपने माता को, अपने बाप को, सबको छोड़कर ससुराल जाती है। वो पति भी नया वाला होता है। सभी ससुराल में सभी नए वाले होते हैं। उसको तो एकदम नया वातावरण आ जाता है, नए पर्व आदमी होते हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना है, उनसे कैसे बातचीत करना है, सब कुछ उसको एक प्रकार का संकोच होता है। इसलिए वो नई दुल्हन को, उसका मन को देखकर, जानकर उससे व्यवहार करना है, क्योंकि सेक्स में भाग लेने के समय कई प्रकार के संकोच होते हैं, कई प्रकार के भय होते हैं, ये सब होते हैं। उनको मन में रखकर दुल्हा व्यवहार करना है, उस नई दुल्हन से व्यवहार करना है। कैसा से पहले उसको, उसका मन को उसको जानना है, क्या है उसके मन में, भय है, संकोच है, उसको दूर करने के लिए दुल्हा को तो प्रयत्न करना है। इसके अलावा उसको एक प्रकार का आनंद दिलाने के लिए, एक प्रकार का धैर्य देने के लिए क्या करना है, थोड़ा मन उसको नज़दीक लेकर के टच से उसके मन में एक प्रकार का रोमांटिक फीलिंग्स को बढ़ाना है। टच से शरीर में कई प्रकार के रोमांटिक भावनाएं उठते हैं। उसके अलावा एक प्रकार उसके मन में वो स्मेल, हीरिंग, टॉक, टच, स्मेल, स्नान करके थोड़ा डिओड्रेंट बॉडी पर लगा करके उसको मन में एक प्रकार की रोमांटिक भावनाएं उठाने के लिए डिओड्रेंट्स का उपयोग करना है। उसके अलावा टॉक उससे बहुत प्रेमपूर्वक संभाषण करना है। ऐसा करने से उस दुल्हन के मन में जो भय होते हैं, संकोच होते हैं, दूर हो जाते हैं। उसके अलावा से जो रोमांटिक भावनाएं होते हैं वे सब कुछ उठते हैं। तब धीरे धीरे सेक्स के लिए जब शुरू करने से उसको किसी प्रकार के संकोच नहीं रहेगा। उससे उसका वो पहला रात अच्छा रात बन जाएगा। हमेशा के लिए मन में वो पहला रात, वो शुभ रात, अच्छे सुहाग रात मन में ऐसे ही रह जाएगा। Multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।